अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। जनाब आज वीकेंड है, यानी कि कल हम सबकी छुट्टी है, और छुट्टी के लिए मुझे बहुत जो कह लेना एक एक्साइटमेंट है इस बार, क्योंकि मेरी कुछ दिनों से रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई है और उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कल मुझे पूरा दिन अपनी नींद जो है वो पूरी करनी है, और इस नींद पूरी करने के लिए संडे से बेहतर दिन और हो ही नहीं सकता। तो जनाब संडे का दिन आने वाला है, तो आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, किसी ने मूवी प्लान की होगी, किसी ने आउटिंग प्लान की होगी, और सबसे बढ़कर लाहौर का मौसम जनाब बहुत अच्छा हो गया, तो ऐसे में आप मज़ीद अपनी प्लानिंग्स को कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो लिहाजा वीकेंड इन्जॉय करने के लिए तैयार है, लेकिन चूँकि शो का आगाज़ हम करेंगे रिसर्च के साथ, तो आपको बताएंगे कि फिलिपाइन में एक बहती आबशार के साथ एक मुनफरद रेस्टोरेंट बनाया गया है, और सबसे बेहतरीन बात इस रेस्टोरेंट की ये है कि ये बहुत सस्ता है। अच्छा जनाब, दुनिया भर में ऊंची इमारतें हैं जिन पर भारी लागत से अजीम शान जो होटल्स हैं वो तामीर करवाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में हम आज बताएंगे जो गर्मियों में हर एक की पसंदीदा जगह बन सकता है। और फिलिपाइन में एक बहती आबशार के साथ मुनफरद और सस्ता रेस्टोरेंट बनाया गया, जिसकी मिसाल जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। बांस से बनी जनाब टेबल्स हैं, कुर्सियों को बहती आबशार के नीचे रखा गया है, और विला नामी इस रेस्टोरेंट में लोग अपना मनपसंद खाना खाने के लिए पानी के पास आकर बैठ जाते हैं, और वहाँ पानी के दरमियान बैठकर खानों से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। ठंडा पानी जो है, ठंडा ठंडा पानी आपको बैठा आप नीचे अपने पसंद का खाना खा रहे हो, ऊपर से आबशार से पानी गिर रहा हो, ये डेफिनेटली जो कह लें मंजर है, कौन मिस करना चाहेगा। ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ का रवायती खाना पसंद करते हैं, और इस लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतनी खूबसूरत जगह पर जाएं और पिक्चर्स कैप्चर ना करें, तो लोगों की तस्वीरें उतरवाने के लिए भी एक फेवरेट स्पॉट है, और उसके साथ साथ लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए भी यहाँ आते हैं, और यहाँ एहतियात बरतने के लिए उन्होंने बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं जिसमें कहा गया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होने से बचाया जा सके तो लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या आप भीगने के लिए तैयार हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, और ये फिलिपाइन में ऐसी जगह वैसे का देखा जाए इंटरनेशनल तो बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, जो इतने अच्छे व्यूज़ के साथ होटल्स आपको मिलते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ ये सस्ता भी है और खूबसूरत भी है। तो अगर आप फिलिपाइन का रुख करें तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। अच्छा जनाब, इंसानियत का कहा जाता है कि कोई मज़हब नहीं होता, और इसी वजह से हम आपको आज जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो ये कि एक माजूर दोस्त को रोज़ाना अपनी पीठ पर लादकर एक बच्चा जो है 13 साल वो स्कूल लेकर जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसको क्लासरूम तक छोड़ता है, और जनाब ये दोस्ती है इन दोनों की। ये एक गैर मामूली सी खबर है जो चीन से आई है जनाब, जहाँ 12 साल एक बच्चा रोज़ाना अपने माजूर दोस्त को पीठ पर सवार करके घर से स्कूल और स्कूल से घर लेकर जाता है, और क्लास तक पहुंचने में भी उसकी मदद करता है। ये खिदमत जो है वो गुज़िश्ता कोई 6 बरस से कर रहा है, और पहली जमात में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो उसका जो ये दोस्त था एक मर्ज का शिकार हो गया था, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोनों टांगें जो हैं वो बिल्कुल ज़ाया होकर रह गई थी, और उसको स्कूल आने जाने में भी अच्छी खासी प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसे वक्त में इसने अपने दोस्त का साथ दिया और उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और उसे स्कूल लाने और ले जाने में ये बच्चा जो है उसकी हेल्प करता है। 6 साल तक ये सिलसिला जारी, और अभी तक ये जारी है, और ये रोज़ाना अपने फ्रेंड को स्कूल लेके जाता है, उसको स्कूल से घर तक छोड़ता है, और दरमियान में दूसरे उसके क्लास फेलोज ने भी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द लोग तंग भी पड़ गए, लेकिन ये बच्चा जो है अपनी बहुत कह लें लगन के साथ उसकी खिदमत पर जो कह लें मामूर है, और वो रोज़ उसको लेके जाता है स्कूल, इसी वजह से उसकी कदर भी की जाती है कि ये दोस्ती, एसार, मोहब्बत, इसकी बहुत सी कह लें एग्जाम्पल्स की एक शक्ल है जो ये अपने फ्रेंड को जिस तरह से हेल्प करता है उसमें बहुत हेल्पफुल हो गया। अच्छा जनाब, और ये साथ साथ क्योंकि ऐसे फेज़ में जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग थोड़े कोई दिल करता है कि कोई बात भी करे, कोई आपका दिल बहलाए, तो ये अपने दोस्त के साथ ना सिर्फ पढ़ाई में उसकी हेल्प करता है बल्कि दीगर एक्टिविटीज़ में भी उसका साथ देता है। तो ये जनाब इंटरेस्टिंग सी एक खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है चीन से। अच्छा जनाब, और इसके साथ साथ हम आपके साथ तीसरी रिसर्च भी शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे
कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का जो है वो हम आपको तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि जिसमें 3 रनवेज हैं। इन एयरपोर्ट पर 1.5 करोड़ स्क्वायर फुट टर्मिनल रकबा जो है इसमें शामिल है और ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके अभी 4 तामीराती मराहल जो हैं वो बाकी हैं जो 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगी और इसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, जो मजमूई तौर पर 7.60 करोड़ स्क्वायर फिट पर फैला होगा। और जब इसकी लागत की बात की जाए जनाब, तो ये 12 अरब डॉलर्स की लागत आएगी इस एयरपोर्ट की तामीर में। फर्स्ट फेज में जनाब यहाँ पर जो सालाना मुसाफिर हैं वो 9 करोड़ के करीब जो है वो ठहर सकेंगे और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो हर साल 20 करोड़ मुसाफिर जो है इनको इस एयरपोर्ट पर अकोमोडेट किया जाएगा। और ये इसलिए लिहाजा ये जो कहले मुसाफिरों की ट्रैफिक के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कहलाएगा जब इसका प्रॉपर चारों जो तामीराती मराहल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ड्यूटी फ्री शॉप्स चूंकि एयरपोर्ट पे होती है तो उसके लिए भी इन्होंने जो एक कहले 55,000 स्क्वायर फिट का रकबा मौजूद है जिसको 7 पार्ट्स में तकसीम किया गया है और जहाँ पर आपको फैशन, फूड, इस तरह की मुख्तलिफ जो कहलें जगहों पर अवेलेबिलिटी होगी। और इसमें एक होटल भी होगा जिसमें 455 कमरे मौजूद होंगे और जहाँ पर मुसाफिर जो हैं वो ठहर भी सकेंगे। अच्छा जी, और सबसे बढ़कर इसका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होगा वो बहुत मुनफरद होगा। वो एक ट्यूलिप की शक्ल का होगा जो कि तुर्क सकाफत का एक मकबूल और अलामती जो फूल है वो कहा जाता है। एटॉकी में जनाब एयरपोर्ट बनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि जब ये मुकम्मल तौर पर 2025 में कम्प्लीट हो जाएगा, इसके चारों मराहल कम्प्लीट हो जाएंगे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कहलाएगा। और अभी हम आपके साथ पिक्चर ऑफ द डे शेयर करेंगे और उस पर बात करेंगे। जनाब ये आप तस्वीर में देखें कि छोटी सी बच्ची जो है नंगे पांव खड़ी दुकान के शोकेस में रखे गए जो जूते हैं नहायत गौर से देखती है और इसे खरीदने की डेफिनेटली ख्वाहिश भी होगी। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर देखते हैं, बच्चे जो है आम रूटीन की चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को भी याद रखें, इनका ख्याल रखें और शायद अपने बच्चों के लिए जिस तरह हम करते हैं वो ना कर सकें लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट हमारी इनपुट या एफर्ट इसमें होनी चाहिए। और ये जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनके फ्यूचर या इनके माइंडसेट में रच बस जाती हैं जिससे इनकी जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी है वो भी बहुत उस पर इम्पैक्ट आता है। चल ना ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब और आज भी हम इस सेगमेंट में जो डिस्कशन करने वाले हैं हेल्थ के हवाले से करने वाले हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कितनी रिसर्च हो चुकी है बच्चों के मराज पर और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर मसूद सादिक ने कि जो डीन है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ साथ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनको भी हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानेब आऊँगी, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात करें तो अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है, कितना काम हो रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके चल रहे हैं वहाँ पर हेल्थ के हवाले से, स्पेशली चूँकि अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तो वहाँ पर क्या क्या जो इकदाम किए जाएंगे? देखिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है ये 1100 बेड्स का हॉस्पिटल है और जब आप किसी इदारे या इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसके कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अभी आपने बात की कि रिसर्च कितनी हुई है तो 3 चीज़ें जिन पे हमारा फोकस होता है। एक ऑब्वियसली पेशेंट केयर है जो सबसे पहला और प्राइम हमारा फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन हमारा टीचिंग और ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में है कि हमारे पास कितने पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट्स और बाकी, और तीसरा रिसर्च का है। तो आपने चूंकि स्पेसिफिकली रिसर्च के बारे में पूछा है तो इस वक्त हमारे 12 प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ चल रहे हैं। जब हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो कुछ बड़े इदारे हैं जो कि यूके में, अमेरिका में, यूरोप में या इवन फार ईस्ट में, जिनके साथ हमारे डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं बच्चों की, ख़ास तौर पर इसमें जो जेनेटिक्स के हवाले से हमारा जो शोबा है जिगर और मैदे का, उनका कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, एंडोक्रिनोलॉजी है, इन तमाम शोबों में हमारे कोलैबोरेटिव रिसर्च चल रही है। कुछ रिसर्च होती है जो आप लोकल लेवल पे करते हैं, जो कि आप डे टू डे बेसिस के ऊपर भी करते हैं, और फिर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं,
اور پھر آپ ان کو پبلش کرتے ہیں، خواہ وہ آپ نیشنل جرنلز میں کریں یا انٹرنیشنل میں. اور الحمدللہ چلڈرنز ہاسپٹل کے بے شمار آرٹیکلز، اور میں اب آپ کو ہنڈریڈز میں بتا سکتا ہوں، جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پبلش ہو چکے ہیں، جن کا میجر امپیکٹ ہے بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے، ان کی تشخیص کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا، چلڈرن ہاسپٹل جیسے آپ نے بتایا کہ 1100 بیڈز پر مشتمل ہاسپٹل ہے، بچوں کی جو کیئر ہے، یا آپ نے کہا کہ ہمارے پیشنٹس کی جو پرائمری کیئر ہے وہ آپ لوگوں کی ایک کہہ لیں پریفرنس بھی ہوتی ہے. آپ ہاسپٹلس کی سچویشن کی اوور آل اگر بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ مزید آپ لوگوں کو کتنی ہیلپ یا کس طرح سے آپ کو سپورٹ مزید درکار ہے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ وہ اپریشیشن کی بات نہیں کرتے، تھوڑا سا ہم یہ کہتے ہیں کہ فردر کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، جہاں تک چلڈرنز ہاسپٹل کا تعلق ہے تو ہمیں تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت میجر سپورٹ ہے. اس وقت چلڈرن ہاسپٹل میں تمام داخل مریضوں کو 100% فری ٹریٹمنٹ ملتی ہے. آؤٹ ڈور میں نہیں، کیونکہ وہ پاسبل بھی نہیں ہے، لوگوں کو لمبے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ڈفرینٹ ایریاز سے آتے ہیں، تو جو بیسک دوائیاں وہ تو ضرور ملتی ہیں لیکن 100% فری نہیں. لیکن جو داخل مریض ہے، خواہ اس کو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے، یا اس کی کارڈیک سرجری ہے، یا اس کا کوئی اور میجر آپریشن ہے، یا لمبا علاج ہے، وہ 100% فری گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ملتا ہے. اگر آپ پوچھیں گی کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہم گورنمنٹ کو پہلے بھی دے چکے ہیں. ایک چلڈرن ہاسپٹل پورے پاکستان کے بچوں کا علاج نہیں کر سکتا، اور اس میں ہم نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی یہ کانسیپٹ دیا تھا، اور موجودہ گورنمنٹ سے بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک چلڈرنز ہاسپٹل ہونا چاہیے. دنیا میں بچوں کے علاج کا جنرل ہاسپٹل میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بچہ اگر جائے گا تو وہ چلڈرن ہاسپٹل میں جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی منسٹر ہیلتھ نے اور چیف منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ پنجاب میں وہ 5 ڈفرنٹ جگہ پہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے بہت اچھا انیشیٹو ہے. اگر اس طرح کے مزید انیشیٹو صرف بچوں کے حوالے سے بھی لیے جائیں تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. ایک ہاسپٹل کو ہم جتنا بھی ایکسپینڈ کرتے جائیں گے وہ سولوشن نہیں. ٹھیک ہو گیا بلال. یہی بات ان کی کہ ایک ہاسپٹل تو کافی نہیں ہے، اور یہی بات ہم دیگر ہاسپٹلس کے لیے بھی کہتے ہیں جو اسپیسیفکلی کسی ٹریٹمنٹ کے لیے موجود ہے. چلڈرن ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کے حوالے کیا انفارمیشن ہے جو آپ ہم سے شیئر کریں گے؟ یا دیکھیں ارملا، فرسٹ آف آل تو اگر چلڈرن ہاسپٹل کی بات کریں تو یہ اس بات پہ تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا چلڈرن کا ہاسپٹل ہے، جس میں 1100+ اس میں بیڈس ہیں، اور اس میں تقریباً 42 کے قریب اسپیشلٹیز ہیں جس پہ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور مجھے جس چیز پہ مجھے اس میں فخر محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ بون میرو جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ اب تک یہاں پہ 14 کے قریب جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں، جو کہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے. اگر 30 لاکھ کے قریب ہاں پرائیویٹ اگر اس کو کرائیں تو 25-30 لاکھ روپیہ اس کا جو ہے وہ ایکسپینس آتا ہے ایک پیشنٹ پہ. اور اس سے پہلے یہ کراچی میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سرکاری سطح پہ پہلی دفعہ یہ چلڈرن ہاسپٹل میں کیا گیا. یہ بڑے اچھے انیشیٹو ہے. اور اس پہ جو سب سے اہم چیز ہے جس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں، یہ جب بھی چلڈرن ہاسپٹل میں جاتا ہوں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایمرجنسی کی اگر بات کریں تو 1500 سے 2000 کے قریب جو پیشنٹ ہے یہ صرف ایمرجنسی میں آتا ہے. پھر اس کے بعد آؤٹ ڈور ہے جس میں بھی ہزاروں کے قریب پیشنٹس آتے ہیں. تو اس طرح روزانہ اتنے پیشنٹس کو کیٹر کرنا، پھر ان کو فری جو ادویات ہے وہ بھی مہیا کرنا اور سہولیات فراہم کرنا، یہ نہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی چلڈرن ہاسپٹل ایک بلیسنگ ہے. تو بقایا جو آپ کو پتا ہے پھر ہر ہاسپٹلس کی کچھ ڈیفیشنسیز بھی ہوتی ہے، کچھ لیکنیس بھی ہوتی ہیں جو کہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اوور آل جو چلڈرن ہاسپٹل ہے یہ ایک بڑا اچھا ایک سیٹ اپ ہے. اور بڑے عرصے سے یہ جو وہاں پہ جو پیشنٹس جاتے ہیں ان کی جو کمپلینٹس ہیں یہ دوسرے ہاسپٹلس کی جو نسبت ہے وہ کم ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو بچوں کو وینٹیلیٹرز کا جو سم ٹائم ایشوز ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ بچوں کو ملتے ہیں. اچھا سر، میں آپ کی جانب آؤں گی. 7th میڈیکل یونیورسٹی، آپ نے کہا ٹیچنگ اور دوسرا جو سکھانے والا پروسیجر وہ بھی آپ لوگوں کی تین اس میں شامل ہے. 7th میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دینے کی آپ نے ہی پروپوزل دیا ہے، کیا اس حوالے سے ہمیں بتائیں؟ لیکن جی، یہ کانسیپٹ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کو دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود تشریف لائے تھے چلڈرنز ہاسپٹل میں، انہوں نے چلڈرن ہاسپٹل کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی دورہ کیا. منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان کے ساتھ تھے، سیکرٹری ہیلتھ بھی ان کے ساتھ تھے. اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ تھوڑا یونیک کانسیپٹ ضرور ہے، کیونکہ جب آپ میڈیکل یونیورسٹی کی جنرلی بات کرتے ہیں تو ایک جنرل میڈیکل یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں جو کہ تمام ایریاز کو کور کرتی ہے. یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ کا کانسیپٹ اس لحاظ سے یونیک ہے کہ ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں چائلڈ ہیلتھ کے اوپر. اور جب ہم اس کو فوکس کریں گے چائلڈ ہیلتھ کے اوپر تو اس کانسیپٹ کے سرٹن کمپوننٹس ہیں. اور میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اس کی بات ضرور کروں کہ آپ دیکھیں پاکستان میں 47% بچے ہیں جو 18 سال سے نہیں، ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 47% پیڈیاٹرکس ہیں، بچے ہیں جو 18 سال سے کم عمر ہیں.
हमारा दुनिया में हाईएस्ट न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी से मतलब है वो बच्चे जो 28 दिन से छोटे होते हैं। हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अभी भी बहुत हाई है और हमारी अंडर 5 मॉर्टेलिटी भी बहुत हाई है। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2015 में दुनिया को एक कमिटमेंट दी है कि हम 2030 तक अपना न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट 12 per 1000 पे लेके आएंगे, अंडर 5 मॉर्टेलिटी को कम करेंगे, सर्टन डिजीजेज हैं जिनको हम कंट्रोल करेंगे। तो अगर हमने ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं और हमारा ग्रोथ रेट अभी भी दुनिया में हाईएस्ट है, हम 2% के करीब ग्रो कर रहे हैं और अगर इसी ग्रोथ से हमारी पॉपुलेशन चलती रही तो हम तो अगले 10 साल में और डबल हो जाएंगे। तो अगर हमने ये तमाम चीज़ें पीडियाट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में करनी है तो आपको एक फ्लैगशिप चाहिए, आपको एक इदारा चाहिए जो पॉलिसी मेकिंग भी करे में भी हेल्प करेगा, प्लानिंग में भी हेल्प करेगा, टीचिंग और ट्रेनिंग में भी हेल्प करेगा, लोकल कॉजेज के ऊपर रिसर्च करेगा और दुनिया के साथ और नेशनली रिसर्च कोलैबोरेशन करेगा ताकि आप उसको आगे ले जा सकें और फिर जितनी भी एडवांसमेंट होनी है इस फील्ड में उसमें भी आपको फैसिलिटेट करेगा या गवर्नमेंट को या इस मुल्क को फैसिलिटेट करेगा। तो हमने जो इसका प्रपोजल दिया है उसमें 7-8 कंपोनेंट्स हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है जो बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटीज को ट्रेन करेगा। आपको पता है हमारे मुल्क में कहीं पे भी कोई इदारा नहीं है जो स्पेशलाइज्ड बच्चों की नर्सिंग में ट्रेनिंग करता हो। तो हमने कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रपोज किया है जो कि नर्सिस को न्यू बॉर्न की केयर में, बड़े बच्चों की केयर में। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स अब एक की बन चुके हैं, आपके टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपके सपोर्ट स्टाफ है, उसका हमने एक कॉलेज प्रपोज किया है। हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रपोज किया है, एक मदर एंड चाइल्ड यूनिट भी प्रपोज किया है। अच्छा। वो माएँ जिनकी आप एंटीनेटल तशखीस करते हैं कि उनके बच्चे के दिल में सुराख है, उनके बच्चे को कोई और ऐसा मसला है और उनकी डिलीवरी किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे ये फैसिलिटीज मौजूद। तो आप एक 100-bed का हमने मदर एंड चाइल्ड सेंटर प्रपोज किया है। हमने एक टेली हेल्थ सेंटर और एक टेली लिंक सेंटर जिसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रपोज किया है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको इन प्रिंसिपल इस पे एग्री कर लिया। ऑब्वियसली अब इसके एक पूरा वर्किंग पेपर इसका PC1 बन रहा है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा जिसमें हमारे मुल्क के पीडियाट्रिक्स या बच्चों के कॉन्सेप्ट में ना सिर्फ क्यूरेटिव या इलाज के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि प्रिवेंशन और रिसर्च के हवाले से ये एक बहुत बड़ा संग मील। और सर इसकी बजटिंग के हवाले से भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए आपको बजट में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसका तकरीबन 5 अरब के करीब जो भी है बजटिंग आप लोगों ने उसकी प्रपोज किया है, तो उस हवाले से आपको हेल्प भी चाहिए होगी। देखिए ये तो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा और मैं समझता हूँ कि जब आप हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं तो 5 अरब को बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अगर अपने प्रोजेक्ट्स को देखें जो आप डेवलपमेंट के बाकी प्रोजेक्ट्स करते हैं या किसी भी अदारे को बनाते हैं तो 5 अरब बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर जब आप एक दफ़ा इसकी कॉन्सेप्चुअल अप्रूवल दे देते हैं तो फंडिंग के लिए आप HEC को अप्रोच कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर सकते हैं जो इस तरह की चीज़ों में आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उसके लिए पहले यूनिवर्सिटी का चार्टर होना जरूरी है। बिलाल, जैसे हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, डॉक्टर मसूद साहब ने भी यही कहा कि ये स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए है। हम जो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कॉलेजेस की, इस यूनिवर्सिटी के आने से कितना अकेले फ्लो उसमें फ़र्क आएगा, क्या चीज़ें बैलेंस होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं तो कई चीज़ें तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की है, मुझे भी बड़ा सरप्राइज मिला है। देखें ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी ये बड़ा इशू है पाकिस्तान में और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसमें भी, और WHO भी हमेशा इसी पर बात करते हैं। और इसी इस चीज़ को अगर फोकस किया जाए, यूनिवर्सिटी बनाने का जो मकसद है उसमें इन स्पेशलिटीज़ को रख के अगर पूरा किया जाए, फिर उसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको स्पेशलाइज्ड उनको किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर यहाँ से लोग निकल के जो स्पेशलाइज हो के फिर वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान भर में जाएंगे। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में ये पहली जो यूनिवर्सिटी है बच्चों की चाइल्ड हेल्थ के हवाले से ये बनेगी। तो ओवरऑल इसका जो ये जो बेनिफिट है ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे और ख़ासकर जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता कि हम सिर्फ लाहौर में बैठे हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और वो इलाके जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं और इस तरह के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर आप यकीन करें आपको कोई स्पेशलिटीज़ का जो डॉक्टर्स है चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो मिलता ही नहीं है। वहाँ ये देखें जो मोर्टेलिटी जो रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो रेट है ये लाहौर या अर्बन एरिया से ज़्यादा, ये जो दूरदराज के फार फ्लंग एरियाज है उनमें ज़्यादा है कि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उस तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है।
جب اس طرح کا ایک یونیورسٹی ایک بنے گی سٹرکچر میگا سٹرکچر بنے گا ایک پروجیکٹ بنے گا پھر اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ پھر نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کو بھی کور کریں گے اس طرح جو وہ علاقے جو محرومیت کا شکار تھے جہاں پہ بچوں کو اعلیٰ درجے کے جو پروفیسرز ہیں یا جو سینئر رجسٹرار ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جو نہیں ملتے پھر ان کو وہ بھی ملا کریں گے پھر یہاں پہ جو ان کے ریسرچ پیپرز ہوں گے مزید جو یہاں پہ سے جو مین پاور ٹریننگ ٹرین ہو کے جو وہاں پہ جائے گی یہ اوور آل امپیکٹ جو ہے یہ پڑے گا تو میں تو ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کا مجھے دو تین دن پہلے جب ان کی طرف سے ایک پرپوزل بھجوایا گیا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تو میں نے اس وقت بھی پرسو کیا تھا تو اب اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے اس کی منظوری بھی اب سی ایم صاحب سے ہوگی پھر اس کے بعد ڈفرنٹ اس کے جو فیزز کے بعد پنجاب اسمبلی سے پھر اس کی جو ہے اپروول کی جائے گی اور لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی بنانے کا اور اس سے نہ صرف جو ابھی جو ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان میں بہت زیادہ ان کی بھی ڈرین ڈرین ہو رہی ہے یہاں پہ ان کو چائلڈ کے حوالے سے اس طرح کا کوئی ایکسپوزر نہیں ملنا. اچھا سر آپ کی جانب میں دوبارہ آؤں گی چائلڈ کے حوالے سے آپ نے کہا اسپیسیفکلی آپ لوگ اس پہ فوکسڈ ہیں اور چونکہ ہم چلڈرن کی بات چلڈرن ہاسپٹل کی بات کریں تو اسپیسیفکلی یہ بچوں کے لیے ہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اوور آل ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم جو میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں کہ بچوں کے حوالے سے کتنا کام کتنی ریسرچ یا کتنا زیادہ لوگ اس سے اب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ آتے ہیں اسپیشلائزیشن میں؟ دیکھیں اس میں ابھی انٹرسٹ تو لوگوں کا بہت ہے اور پیڈیاٹرکس میں اس وقت ہمارے پاس چلڈرن ہاسپٹل میں 354 ٹریننگز ہیں 300 لوگ ہیں جو 10 ڈفرنٹ پیڈیاٹرکس کی اسپیشلٹیز میں ٹرین ہو رہے ہیں اور 50 کے قریب لوگ ہیں جو کہ سپر اسپیشلٹیز میں جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور اب وہ کسی سپر اسپیشلٹی میں ٹرین ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے اٹریکشن بھی ہے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہوگی نا اس کو آپ ابھی اگلے 2 سال یا 4 سال میں شاید آپ کو اس کے فروٹس نظر نہیں آئیں گے اس کے فروٹس آپ کو 10 سال میں یا 15 سال میں نظر آئیں گے اور جب قومیں پلاننگ کرتی ہیں تو وہ پلاننگ تو پھر لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. بلال صاحب نے ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی وہ ہمارا مستقبل ہے اور خواہ وہ ڈاکٹرز ہیں وہ نرسز ہیں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جب ہم کسی بھی بچے کی کیئر کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام لوگ اس میں امپورٹنٹ ہیں اور جب ہم یونیورسٹی کا کانسیپٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم سب کی بات کر رہے ہیں ہم صرف ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی بات نہیں کر رہے ہم نرسز کی الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی پیرا پروفیشنلز کی سب کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں اور بہت رائٹلی جس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا ہے آئی تھنک ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہمیں ایک چلڈرن ہاسپٹل چاہیے اور تمام یہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہے ہیں بے شک اسی کانسیپٹ کو ہم آگے لے جائیں یہ 5 تو بن رہے ہیں ان کو بننے دیں اس کے علاوہ ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے نان ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں پنجاب میں آلریڈی ملتان میں ایک چلڈرنز ہاسپٹل موجود ہے فیصل آباد میں ایک چلڈرنز ہاسپٹل کافی حد تک بن چکا ہے اور ابھی اس پروگرس میں ہے تو سملر اگر کانسیپٹ باقی 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بھی آ جائے تو آئی تھنک دس ول بی اے میجر ایڈوانسمنٹ اور وہ تمام کے تمام چلڈرنز ہاسپٹل پھر ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ اور اس سے پھر ایک آپ نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ جہاں ارد گرد کے علاقوں میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں نہیں ہے اس طرح کے ہاسپٹل جب فیسلٹیز اس لیول کی نہیں ہے تو فلو سارا لاہور پہ یا چلڈرن ہاسپٹل پہ بھی آتا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو نو ڈاؤٹ اٹس اے بگ ہیوج ہاسپٹل بٹ ایٹ دی اینڈ ان سب لوگوں کو کیٹر کرنا دیٹس چیلنجنگ. اٹ از بگ چیلنج جی بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم نے کبھی بھی ہیزیٹیشن نہیں محسوس کی یہ بتاتے ہوئے کہ جب خاص طور پر ان اسپیشلٹیز میں جہاں پہ یہ فیسلٹیز اور جگہ پہ اویلیبل نہیں ہیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کارڈیک سرجری کی کینسر کے پیشنٹس ہیں سملرلی نیورو سرجری کے پیشنٹس ہیں یورولوجی کے پیشنٹس ہیں یہ وہ سروسز ہیں جو کہ بہت اسپیشلائزڈ ہے اور ان کے لیے آپ کو جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ فرق ہے. بلال صاحب نے ابھی بات کی کہ 14 بون میرو ٹرانسپلانٹ کی چلڈرن ہاسپٹل میں پچھلے سال 1063 بچوں کی کارڈک سرجری کی گئی. اب یہ بہت بڑا نمبر ہے. اگر آپ نیورو سرجری کی بات کریں گے سینکڑوں بچوں کی نیورو سرجری کی گئی یورولوجیکل پروسیجرز کیے گئے پیڈیاٹرک سرجری جو ٹوٹل سرجریز چلڈرن ہاسپٹل میں پچھلے سال ہوئی وہ 21,000 سے زیادہ تھی. اب اس میں مائنر اور میجر دونوں سرجریز شامل ہیں. یہ فری آف کاسٹ ہو یہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فری آف کاسٹ ہے لیکن یہ مسئلے کا سولوشن نہیں ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے اور پھر یہ تمام لوگ اپنے اپنے ڈویژنز پہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس پہ جائیں وہاں پہ یہ فیسلٹیز کو سیٹ اپ کریں تاکہ ڈور سٹیپ پہ آپ لوگوں کو یہ علاج دے سکیں. اب سوچیں ایک بچہ جو اپنا آپ کے بچے کو پتہ چلتا ہے آپ کے دل میں سوراخ ہے اور آپ رحیم یار خان سے اٹھتے ہیں اور اس اٹھا کے چلڈرن ہاسپٹل میں لے آتے ہیں
دو دن وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے, اس کا ایکو ہوتا ہے, پھر اس کو سرجری کی ڈیٹ ملتی ہے. اگر یہی فیسلٹی رحیم یار خان میں ہو تو اس کے لیے کتنی کنوینئنس ہوگی. اور دنیا میں جب آپ نے ترقی کی طرف جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی تو کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ یہ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. بالکل. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جتنے بھی ہمارے اس کے علاوہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر بھی جو چلڈرن کی جو وارڈس اویلیبل ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ تھوڑی سی کمپلیکیشنز آتی ہے, وہ کہتے ہیں چلے لے جائیں اس کو چلڈرن ہاسپٹل. ایون کہ لاہور میں بھی یہ پوائنٹ آف ویو, ہم ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کو تو چھوڑ دیں نا, لیکن صرف لاہور کے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کی یہ صورتحال ہے, ایون کہ وہاں پہ پروفیسرز بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, بچوں کا پرابلم ہے, وہ فوراً ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ چلڈرن ہاسپٹل لے کے جائیں. اور دوسری اس میں اہم وجہ یہ کہ جب بھی چھوٹا بچہ ہے اور 2 سے 3 سال تک تو اس نے مختلف ٹائمنگس میں اس نے بیمار تو رہنا ہی رہنا ہے, اور پھر اس وقت اگر آپ کو کوئی پراپر کوئی اسپیشلسٹ کو چائلڈ ڈاکٹر نہیں ملتا تو آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا رہتا ہے. تو اسی وجہ سے جو دوسرے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ اپنے سے اتار کے وہ سارا جو لوڈ ہے وہ چلڈرن ہاسپٹلز پہ جو کر دیتے ہیں. اس طرح سے بھی جو جب بھی کوئی چیز اوور لوڈ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے یہ ہاسپٹلز کی پرفارمنس پہ بھی آتا ہے, وہاں پہ موجود جو عملہ کام کرنے والا اس کی بھی پرفارمنس پہ بھی آتا ہے. اور ہم میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اس کو سیکنڈ کریں گے, ہمارے جو اکثر جو ڈاکٹرز ہیں یہ بڑا گلا شکوا نرسز کا پیرامیڈکس کا بھی رہتا ہے کہ جناب ہمارے ہاسپٹلز میں ہر ٹائم اوور لوڈنگ ہوتی ہے, انٹرنیشنل رولز ہیں کہ ہم دن میں جناب 25 سے 30 پیشنٹ چیک کریں, یہاں ہمیں 100 چیک کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی شکایات بھی ہیں, انسینٹیو اس طرح ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ بہت سی ایک ساری چیزیں ہیں. یونیورسٹی بنانے کے ساتھ ساتھ میں ڈین صاحب بیٹھے ہیں محسوس عادی صاحب, تو اس طرح جو یہ جو شکایت ہے ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں آلریڈی شاید آپ کے نالج میں ہوگا کہ چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر بھی تھا جس نے یہ پے اس کو ریوائز کیا, تو آئی تھنک ایک انسینٹیو تو ہمارے میڈیکل پروفیشنلس کو 1 جولائی سے انشاءاللہ مل رہا ہے, اگرچہ اس کو ہم نے پرفارمنس کے ساتھ بھی تھوڑا سا لنک کیا ہے, بٹ دیر از گوئنگ ٹو بی اے پے رائز ان ڈاکٹرز انشاءاللہ جولائی 2019 سے, جو کہ سبسٹینشل پے رائز ہوگی انشاءاللہ. باقی لیکن آئی تھنک نرسز کو بھی سملر ہے, پیرا پروفیشنلس کا بھی سملر ہے, اور اگر ہم نے دیکھیں یہ پروفیشن پوری دنیا میں ایز اے اسپیشل پروفیشن ہی ٹریٹ ہوتا ہے, اور یہ کوئی یونیک کانسیپٹ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کی پے اسپیشل ہونی چاہیے, پوری دنیا میں ان کی پے اسپیشل ہوتی ہیں. اور اس کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کو نرس کو یا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کو جب آپ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈیوٹی پہ ہو تو اس کے دماغ میں کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی ٹوٹل فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے مریض ہیں اور یہ میں نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے, اس کو کوئی اور فکر نہیں ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ پوائنٹس جو ہمارے ینگسٹرز کا ہے یہ بالکل جینون ہے, اور اس میں ہمیں ضرور, لیکن جہاں تک پیشنٹ کے لوڈ کا تعلق ہے کبھی ڈاکٹرز نے ریفیوز تو نہیں کیا. آبویسلی جتنا بھی لوڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ینگسٹرز بھی دیکھتے ہیں, ہمارے سینئر ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں, لیکن اس کی ضرور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں مزید ہاسپٹل کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نو ڈاؤٹ, ابھی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دیگر ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں اگر اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں تو ایٹ دا اینڈ لوگوں نے انہی علاقوں میں آنا ہے, انہی جگہوں پہ آنا ہے جہاں پہ ایسی فیسلٹیز موجود ہیں. ایک پوائنٹ میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ پریونٹیو آسپیکٹ میں ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے مزید ہاسپٹلز بنانے ہیں, ہم نے مزید لوگوں کو, لیکن ہمیں اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سینیٹیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے, ہم نے نیوٹریشن کو کیسے بہتر کرنا ہے, ہم نے اکاموڈیشن کو کیسے, دیکھیں نا اگر آپ کا کلین ڈرنکنگ واٹر ہوگا, اگر آپ کی سینیٹری فیسلٹیز بہتر ہوں گی, اگر آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا, تو یہ بے شمار بچے جو اس وقت بیمار ہو رہے ہیں یہ تو بیمار ہوں گے ہی نہیں, اور ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی ہاسپٹل میں. دیکھیں دنیا میں لوگوں نے ہاسپٹلس بند کیے, یہ ہمارے نالج میں ہے کہ یو کے میں جب یہ ری آرگنائزیشن ہوئی تو بے شمار ہاسپٹلز بند ہو گئے کیونکہ مریض نہیں تھے. تو ہمیں بھی اس طرف جانے کی ضرورت ہے. تو آبویسلی ہم کسی بھی جب یونیورسٹی کے کانٹیکسٹ کی بات کریں گے یا کسی اور کی, تو اس میں ایک میجر فوکس یہ ہوگا کہ وہ کیا پریونٹیو اسٹریٹجیز ہیں, جیسے امیونائزیشن ہے یہ پریونٹیو اسٹریٹجی ہے, اسی طرح سے کلین ڈرنکنگ واٹر یا سینیٹیشن یا انوائرمنٹ پریونٹیو اسٹریٹجی میں آتا ہے. یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, یہ تو آبویسلی پالیسی میکرز کا کام ہے, اور اس پہ ہمیں آبویسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے ایون اپنی اسپیچ میں کہا کہ 40% بچے اس ملک کے اسٹنٹڈ ہیں. اب وہ اگر اسٹنٹڈ ہیں اور ان میں سے آدھے بچے انیمک بھی ہیں, تو یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دونوں طرف کام کرنا ہے, ہمیں پریونٹیو سائڈ پہ بھی کام کرنا ہے, کیوریٹیو سائڈ پہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا, اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک کہ آپ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے جا رہے ہیں چلڈرن ہاسپٹل کو. جناب بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے, آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ हेल्थ के हवाले से बात की, अब हम जरा थोड़ी सी गाने की और एक्टिंग की बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शिजा ने, शिजा खान, जो कि एक्टर भी हैं और होस्टिंग भी करती हैं। और इसके साथ साथ आज हमारे पास होगा म्यूजिक बैंड V2 के नाम से है, महम एंड नैना दोनों को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप सबका। सबसे पहले तो शिजा मैं आपकी जानेब आऊंगी, जरा अपने करियर के हवाले से बताएं कब से आगाज हुआ एक्टिंग और क्या आजकल प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर अर्मला, एंड सेकेंडली ये कि आई स्टार्टेड माई वर्क व्हेन आई जस्ट कम्प्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन। ओके, तो बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था और बिकॉज ऑफ कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत गेन करना था और इस फील्ड में बहुत शौक था बचपन से ही, तो मामा भी बहुत सपोर्टिव थी, फिर बस मैट्रिक के पेपर दे के ही स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ ऐसे हुआ कि PTV गई, बस ऑडिशन दिया और उसके बाद फिर कॉल्स आ गई और फिर मैंने होस्टिंग भी की काफ़ी फैशन शोज़ में, नॉट लाइक यू आर सो मच प्रोफेशनल। होस्टिंग काफ़ी लाइव शोज़ में की और फैशन शोज़ में, वहाँ से फिर डायरेक्टर्स आते थे वो देखने फैशन शोज़ के, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो यू शुड गो फॉर एक्टिंग। मैंने कहा मेरा भी वही प्लान है, तो बस। और आजकल मेरा माशाल्लाह से 1.5 साल हो गया फील्ड में और अब मुझे टर्निंग पॉइंट अब जाके मिला है, हम TV पे मेरा आ रहा है ड्रामा इनकार। अच्छा, और उसमें आई एम प्लेइंग सपोर्टिंग कैरेक्टर यमुना जैदी के साथ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, V2 हमारे पास है, तो महम और नैना आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी सिंगिंग कब से कर रही हैं। महम आपसे आगाज करें। बेसिकली मैं एज ए एक्ट्रेस और मॉडल एज ए होस्ट काम कर रही थी और नैना तब एज ए सिंगर, जो प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए रियाज चल रहा था। और जब एक टाइम आया मेरा रियाज भी कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, और नैना का रियाज भी इस हद तक पहुंच गया कि हम लोग सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने V2 के नाम से हमारा बैंड है और ये आई थिंक 3rd सिस्टर्स बैंड है, बिकॉज पाकिस्तान में एक बेंजामिन सिस्टर्स थी जो हम सब की मदर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसके बाद एक और थी सिस्टर, सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, और अब हमारा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है इसलिए, और डबल प्यार मिलता है सबसे, डबल अटेंशन मिलती है क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टर्स बैंड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं, फीमेल्स के बैंड्स काफ़ी कम आते हैं, तो बस इस तरह से स्टार्ट हो गया। अच्छा नैना, कितना टाइम हो गया आप लोगों को इस बैंड के साथ और सिंगिंग करते हैं? हमें एक्चुअली 1 ईयर हो गया कम्प्लीट, तो सिलसिला तो स्टार्ट, एक्चुअली शौक तो आपको बचपन से ही होता है बिल्कुल, बट आप स्टडी के साथ साथ फिर कुछ सीखना भी शुरू किया, और हमारे उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब हैं, हमारी लक है कि हमें इतने अच्छे उस्ताद मिले, उनके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आते हैं और वो खुद भी कई बार हमारे शो में आ चुके हैं, लेकिन तो नो डाउट बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही, उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है, तो बस हम लोग सीख ही रहे हैं। और आपको पता ही अमल तो मतलब इतना ये गहरा समंदर है कि आप जितना भी इसमें मतलब आप डूबने की कोशिश करें या तैरने की कोशिश करें तो ये कम नहीं होता। राउफ साहब के स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हम लोग लास्ट ईयर अगस्त पे हम लोग दुबई गए थे शो के लिए, हम लोगों ने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया V2 एज ए बैंड, और इंडिया से अलका याग्निक जी थे, पाकिस्तान से साहिर अली बग्गा, और हमने V2 ने उन पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। तो वहाँ पे भी जब लोग पूछते थे कि आपके टीचर कौन है, और जब हम अब्दुल रऊफ साहब का नाम लेते थे तो इवन दुबई में भी, इवन इंग्लैंड में भी, इस तरह से उनके स्टूडेंट्स जो है वो हर जगह पे बिल्कुल ऐसे। तो आप अभी हमें क्या सुनाएंगी दोनों? हमारा ट्रैक है मैडम नूरजहां का, हम लोगों ने रिमिक्स किया है, कवर सॉन्ग है, वो सुनाती हूँ, वो बहुत मजेदार है क्योंकि जब हम लोगों ने ये सॉन्ग बनाया था तो इसके जो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा पजीराई मिली इस सॉन्ग की वजह से स्पेशली। अच्छा, हमें तो हम लोग वही सॉन्ग आपके जी बिल्कुल जरूर। दुनिया
जबरदस्त जबरदस्त मी टू. कैसा रिस्पॉन्स आया था इसका? बहुत ज्यादा अच्छा. इवन हम लोगों ने जब दुबई में परफॉर्म किया, बिकॉज ये मैडम नूरजहां का सॉन्ग है और काफी ओल्ड सॉन्ग है, तो हम लोगों को ये देख के बहुत ज्यादा हैरानगी हुई थी कि जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे साथ गा रहे थे इस सॉन्ग को, झूम रहे थे इस सॉन्ग को गा रहे थे. मैडम लेजेंड है, तो उनका कोई भी ऐसा गाना गजल कोई ऐसी नहीं है कि जो आप सुने तो आप झूमे वगैरह. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक हो गया शिजा, आपकी एक्टिंग कितना मुश्किल काम है? एक्टिंग मुश्किल नहीं है, अगर इट डिपेंड्स ऑन के जिससे जो काम आता है, जिसका काम उसी को साझे. तो लाइक दे आर वेरी गुड सिंगर्स आई मस्ट से, तो मैं इनका काम नहीं कर सकती. इनके लिए मेरा काम मुश्किल होगा, मेरे लिए इनका काम मुश्किल होगा. तो जो आप में बाय बर्थ आई गेस जो टैलेंट होता है उसमें आप माहिर होते हैं, और अगर उससे आपको विद कॉन्फिडेंस डिलीवर करना आ जाए, लाइक एक्टिंग में डायलॉग डिलीवरी, तो वो फिर आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता. स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब कैमरा फेस किया था, भूल जाती थी डायलॉग, इस तरह मैं कर लेती थी बार बार. तो लेकिन फिर बाद में इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले, लाइक आई हैव टू से नाउ आई एम वर्किंग विद काशिफ निसार इनकार के जो डायरेक्टर हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल डायरेक्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान राइट नाउ. तो उनका इतने अच्छे अच्छे उनके ड्रामाज हैं, उन्होंने जो दिए हैं हमारी इंडस्ट्री को, तो उन्होंने बहुत सिखाया. लाइक आई सेड बिफोर कि ये टर्निंग पॉइंट था हम टीवी में, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे. अच्छा एक्टिंग में अब चूंकि फर्दर ड्रामा इंडस्ट्री, नो डाउट हमारी बहुत ज़बरदस्त ड्रामाज बन रहे हैं, बहुत सारे कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है. या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उसके लिए आई गेस आपको अपडेटेड भी बहुत रहना पड़ता है. लाइक इफ़ यू आर सोशल तो यू कैन डू इट. अगर आप ये समझते हैं कि घर रह के ही काम मिल जाएगा तो वो हमारी भूल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. हम अगर सोचेंगे कि घर में ही हमें ऑफर्स आएंगी तो इट्स नॉट ट्रू, हमें जाना पड़ेगा ऑडिशंस. इवन अगर जितना भी बड़ा एक्टर हो जाए, आई मस्ट से आपको ऑडिशंस कभी भी देने छोड़ने नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. ठीक हो गया. कंपटीशन तो सिंगिंग में भी नैना बहुत ज़्यादा है. हाँ जी बिल्कुल ऐसे. तो आप लोग किस तरह से उस पर वर्किंग करते हैं? और उसमें अब चूंकि म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कीजिए, बहुत सारे लोग जो हैं काम करें, यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, तो उसमें स्टैंड आउट करना बस यही है कि हमारे उस्ताद जी यही कहते हैं कि बस ये मत सोचो कि मैंने कितना आगे निकलना है, या किसी के साथ कुछ भी आपने कि मैंने इससे अच्छा गाना है. बस आप मेहनत करें और अपनी मेहनत पे यकीन रखें. हाँ. तो इंशाल्लाह उसका सिला अल्लाह की तरफ से आपको मिलता है. जरूर मिलता. और हम लोग बस मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह. अच्छा आप दोनों में से बड़ा कौन है? मैं बड़ी. अच्छा ठीक है. तो मतलब कभी कभी होता है ना, जब आप गाना करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ गलती या दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, डांटता कौन है? थोड़ी सी मेरी सिस्टर, ये ना थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है. अच्छा स्ट्रिक्ट है. बिकॉज इस फील्ड में मैं ज्यादा पहले से हूँ, क्योंकि एज ए होस्ट, एज ए एक्ट्रेस और एज ए मॉडल भी रह चुकी, तो थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा जरा नैना से ज्यादा. तो गाइडलाइंस करती रहती है, मतलब ऐसे करो थोड़ा सा प्यार भी उतना ही है, प्यार होती है. तो आप लोगों की फैमिली में से ऑलरेडी कोई इस फील्ड में है? एक्चुअली मेरी मामा ने किया था कुछ अरसा पीटीवी में. अच्छा. दश्त में उन्होंने किया था काम. अच्छा, दश्त आबिद अली साहब की प्रोडक्शन, उसमें उन्होंने सपोर्टिंग किया था, लेकिन बस आफ्टर मैरिज तक उन्होंने भी छोड़ दिया था उसके बाद. जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा अभी हमने देखा है बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं, कोक स्टूडियो है, नेस्कैफे है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है. आप लोगों ने उसमें कोई फर्दर प्लान है? बेसिकली अभी हम लोगों के कुछ शोज हैं 7 मंथ्स तक. अच्छा, हम लोग की बुकिंग्स हैं ऑलरेडी, सॉन्ग्स वगैरह भी अपने कर रहे हैं अपने, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो होंगे तो इंशाल्लाह. अच्छा सॉन्ग्स में क्या क्या किस पे वर्किंग हो रहा है ज्यादा? आप लोग रीमेक पे कर रहे हो या कहीं अपने? नहीं, हम लोग अपने सॉन्ग, उसमें पंजाबी भी है, उर्दू भी है. बेसिकली हम लोग एल्बम के लिए सॉन्ग जो है वो रेडी कर रहे हैं, और उसमें ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स जो है वो हम लोगों को इधर लगेंगे इस काम में, अपनी एल्बम के लिए. और फिर हमारा कुछ दुबई के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ शोज हैं, वो हैं, तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ ही चलता रहेगा. और जो आप प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी ज़रूर जाएंगे. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा शिजा अभी आप जिस ड्रामे में काम कर रही हैं, को एक्टर्स बड़े मैटर करते हैं, अच्छे होने चाहिए, सपोर्टिंग होने चाहिए. सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा?
इस ड्रामा में वैसे ओवरऑल नहीं, मुझे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कोऑपरेटिव होना चाहिए आपका पूरा जो सर्कल है, और यमुना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, यमुना जैदी, आई मस्ट से शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट इन माय लाइफ, और स्पेशली जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेन पे कर रहे हो तो उसमें ज़रा एटीट्यूड भी नहीं है, शी इज़ वेरी मच डाउन टू अर्थ वो भी. एंड मैंने ड्रामास किए हैं जिसमें मेरे को स्टार्स लाइक अब्दुल वहाब है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव, मुझे हमेशा इस मामले में डायरेक्टर्स भी कोऑपरेटिव और सारे एक्टर्स भी कोऑपरेटिव मिले. जनाब हमारे पास खवातीन मौजूद हैं एक एक्टिंग के शोबे से और दो खवातीन जो है सिंगिंग के हवाले से. एक एक मैसेज लेंगे जनाब इनसे डिटेल जो आज हमारे प्लेटफॉर्म से देखने वालों को देना चाहेंगी. उसके बाद हम वी टू जो सिस्टर्स हैं इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई गाना सुनाए. सजा क्या मैसेज देंगी? मैं क्योंकि टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्टर हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सपोर्ट किया गया था, मेरे टैलेंट में किसी ने रोका नहीं था, तो मैं आई वांट टू से ऑल द टैलेंटेड पीपल आउट देयर कि आप लोग अपना कभी भी टैलेंट ना छुपाएं. इफ़ यू हैव टैलेंट, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, देन शो इट टू द वर्ल्ड. एंड सेकेंडली, अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ से इख्तलाफ कर रहे हैं तो उन्हें मनाएं कि इट्स माई ड्रीम और समथिंग, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपकी चाह अपने टैलेंट के थ्रू अच्छी है तो आपकी नीयत साफ है तो आपके पेरेंट्स भी आपको ज़रूर सपोर्ट करें. लवली लवली. क्या मैसेज देंगी माँ हम? भाई मैसेज सबको देना चाहूँगी, चाहे वो इस फील्ड से है या इस फील्ड से नहीं है. मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जो ज़िंदगी है वो बहुत छोटी सी है, बहुत मुख्तसर सी है, इसको लड़ाई झगड़े में मत गुजारें, एक दूसरे से प्यार से बात करें, प्यार से रहें. और अगर स्पेशली आपका कोई अपना रूठा हुआ है, जॉइंट फैमिलीज हैं या कोई फ्रेंड्स में आपके कोई रूठा हुआ है आपसे, तो आप उसे ज़रूर जाके फौरन मनाएं, क्योंकि वैसे भी 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी का हुक्म नहीं है, 3 दिन से पहले मनाना चाहिए. ये मैं सबको बात कहूँगी कि सब प्लीज़ अपने रूठों को मनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, खुशी से जिए और खुशी से दूसरों को भी जीने दें. जबरदस्त. नैना क्या मैसेज जी? मैं भी सबको ये मैसेज दूंगी, प्यार करें और प्यार बांधें, छोटी सी बात. जबरदस्त. अच्छा जनाब ये चूंकि अभी हम बात कर रहे थे, इतनी खूबसूरत बात की माम और नैना ने कि प्यार बांटे और प्यार ही समेटे. हमारे इर्द-गिर्द कुछ हम देखते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, हम थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए हैं, जिंदगियों में इतने मसरूफ भी हो गए हैं, टाइम भी नहीं दे पाते और हर वक्त हम गुस्से में रहते हैं या जल्दी में रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में हम अपना फैमिली टाइम, अपना मी टाइम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं. कोशिश करें फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपनी अच्छी जिंदगी का गुजारने की जबान यही है कि अपने गैजेट से निकल के 15 मिनट सामने बैठे शख्स से भी बात कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं. इवन मैं खुद इस चीज़ पे शिकार रही हूँ, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बैठा हो तो फ़ोन इस्तेमाल ना किया जाए, आप कहीं और बिजी ना हो, क्योंकि फैमिली पेरेंट्स ये सारी चीज़ें एट द एंड आपके साथ रहती हैं. थैंक यू वेरी मच लेडीज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तीनों का, क्या तीनों आई, और आज आप लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा. जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, और क्योंकि कल हमारी भी छुट्टी है, हमने भी छुट्टी बनानी है. तो फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है, और इनकेस आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा, और कल हमारा बेस्ट ऑफ होगा, यानी पूरे हफ्ते में हमने जितने जितने अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात करवाई है कल के बेस्ट ऑफ में आप उनको दोबारा से देख सकेंगे. इजाजत आपसे लेंगे मंडे तक के लिए, अल्लाह हाफिज. लेकिन वी टू सिस्टर्स हमें गाना सुनाएंगे. जी जरूर. I'm not the one who's running away.
सजा ले घर प्यार फिर मैं तुझे करता हूँ कहने से थोड़ा थोड़ा डरता हूँ आज भी आज मेरी बाहों में तुझ पे ही बस मैं मर।